हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए आप सभी लोग, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी आज की जो क्लास है भैया, अब तक हमको 5 दिन हो गए हैं, ठीक है। आज हमारी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया प्लीज़ एक बार आप जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए एक बार आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूँ तहे दिल से। तो इसके बाद हम हमारी जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं भाई, पिछला जो हमारा सेशन हुआ था पिछली क्लास के अंदर, उसमें हमने देखा था कि जो भी हमारे IBPS AFO के अंदर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे, जो यहाँ पे जो अवेलेबल नोट्स है उनसे आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो हम आज की जो क्लास है इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, और पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास को। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें है, देखो भैया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 81, ये है आपके पास में, जो दारीय कल्टीवेशन इज फॉलोड इन विच वेजिटेबल क्रॉप। तो भैया आ जाइए, जुड़ जाइए और अपने जो आंसर हैं वो आंसर अब बताना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे सागर राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। FF स्ट्राइकर, वेरी गुड इवनिंग। भैया बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार क्लास सेशन को क्या कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जो भी आपके मित्र लोग हैं वहां तक एक बार आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर जो आंसर आपको बताने हैं क्वेश्चन से, यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई बहुत टॉप लेवल के हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप जुड़ जाइए। देन इसके बाद हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताओ आपके सामने क्वेश्चन है, दारिया की खेती किस सब्जी की फसल में की जाती है, मतलब जो इसमें क्या है, दारिया कल्टीवेशन इज फॉलोड इन विच वेजिटेबल क्रॉप, की कौन सी ऐसी जो वेजिटेबल क्रॉप है जिसको इसके कल्टीवेशन जो मेथड इसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए भैया क्या होगा। आप लोग सभी कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर को। आंसर बताना चाहेगा भैया, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा आपके पास में क्यूकरबिट्स, ये नहीं आएगा भैया, ऐसा स्ट्राइकर कॉल क्रॉप्स नहीं होती, क्यूकरबिट्स होती है, ठीक है। इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो आपके आएगा क्यूकरबिट होगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो 82 नंबर का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, PMA एंड एट्राजीन एट लो कंसेंट्रेशन एक्ट एज ए डैश टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। भाई देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे दो फैक्टर है, यहाँ पे क्या है, आशिता कह रही है ए, भाई बिल्कुल सही जवाब था आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो PMA एंड एट्राजीन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, PMA की फुल फॉर्म क्या होता है भाई, PMA की फुल फॉर्म क्या होती है, फेनिल मर्क्यूरी एसिटेट जो होता है, और एट्राजीन है, ये अगर लो कंसेंट्रेशन पर हम काम में लेंगे तो ये इसका इम्पैक्ट किस तरीके का आएगा, ठीक है, किस तरीके के एंटी ट्रांसपेरेंट ये होते हैं, बताओ इसमें क्या आएगा आंसर। आप लोगों के आंसर भैया आने चाहिए हमारे यहाँ पे पास में। अंकित हरियाणा कह रहे हैं राधे राधे, बहुत बहुत राधे राधे आपको राधे राधे जी। स्ट्राइकर FF कह रहे हैं सी, इसका क्या आंसर आएगा, सी आएगा क्या, बताइए एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ में और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए भैया, लाइक आपके होने चाहिए भैया, आपके लाइक होने से क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता था कि हम और अच्छा इसको इम्प्रूव कर सके, आपके सामने अच्छे अच्छे आपके सामने जो क्वेश्चन है हम बार बार लेकर के आ सके। तो बताइए आपका इसमें आंसर क्या होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कम सांद्रता पर PMA एट्राजीन किस प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है रिफ्लेक्टेंट, ठीक है, या फिल फॉर्मिंग, या होता है स्टोमेटल क्लोजिंग, या डी है आपके पास में ग्रोथ रिटार्डेंट। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, FF स्ट्राइकर का आंसर आ रहा है सी, क्या और कोई इसका आंसर बताना चाहेगा, और कोई जानते हैं तो भैया अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग गलत ही आंसर दीजिए लेकिन आंसर जरूर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आपके पास में। एग्रीगान भंडार कह रहे हैं ए, एग्रीगान भंडार कह रहे हैं ए, कोई और कोई आंसर देना चाहेगा इसका, भाई आपको आता है तो आप आंसर बताइए, नहीं आता तो भी आप बताइए, जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गलत ही होगा, कोई बात नहीं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे उसको अंडरस्टैंड उसको समझने में। तो इसका जो राइट आंसर है 82 वाले में वो आपके पास में आएगा सी, ठीक है, सी है, ये होगा आपके पास में स्टोमेटल क्लोजिंग, ठीक है, स्टोमेटा को क्या कर देगा भैया, क्लोज कर देगा ये, ठीक है। PMA और एट्राजीन को अगर हम लो कंसेंट्रेशन पे काम करते तो किस तरीके एंटी ट्रांसपेरेंट होते ही होते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग क्या होगा इसका आपके पास में आंसर होगा,
ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखो ये तो आपके सभी को आपको मालूम होगा और सभी लोग आप इसको जानते होंगे कि जिप्सम एंड अमेंडमेंट अप्लाइड टू अल्काली सोइल बिलोंग्स टू डैश टाइप। भैया जो जिप्सम होता है ना, किस तरीके का होता ही है, क्या होता है जिप्सम के अंदर, आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो बताइए इसका आंसर। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि अभी कल ही जो है आईबीपीएस एएफओ का जो है एग्जाम लग चुका है, ठीक है। कल ही किसका एग्जाम लगा था, आईबीपीएस एएफओ का। और उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिस किसी ने भी आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जाम दिया है उनको मालूम है कि ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स को उन्होंने इस बार पूछा है वहां से, जिसमें से उन्होंने जो एग्रोनॉमी है और सोइल साइंस से भले ही जैसे कम क्वेश्चन पूछे हों, लेकिन जो बाकी के अदर सब्जेक्ट है उनके ऊपर काफी फोकस किया है। तो हमारा भी फोकस यही है कि हम आपको एग्रीकल्चर के हर एक सेक्टर से क्या हो, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करवाएं, ठीक है। यहाँ पर महेश जोशी एफ एफ स्ट्राइकर कह रहे हैं, बताओ भैया क्या होगा इसका राइट आंसर, जो है राइट आंसर आप मुझे बताइए इसका, इसका राइट आंसर बताइए भैया। देखो हम आप लोगों के आंसर हमारे पास में आने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपके पास में होता है सोल्यूबल कैल्शियम साल्ट, ठीक है। क्या होता है सोल्यूबल कैल्शियम साल्ट, ये क्या होता है आपका आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में, आशिता कह रही है ए, एफ एफ स्ट्राइकर कह रहे हैं सी, महेश जोशी कह रहे हैं ए। तो यहाँ पे भैया इसका जो आंसर है ये सोल्यूबल होगा कैल्शियम सोल्ट। इसमें क्वेश्चन वापस पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए, इसके अंदर आपसे पूछा गया जिप्सम एंड अमेंडमेंट अप्लाई टू अल्काइल सोइल बिलोंग टू डैश टाइप, ठीक है। ये किस तरीके का वो होता है, तो इसमें क्या होता है सोल्यूबल कैल्शियम साल्ट, जो है क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग कैश क्रॉप्स इज टू, बताओ क्या होता है कैश क्रॉप को ग्रो करने का मेन मकसद क्या होता है, हम क्यों ग्रो करते हैं इसको। अंकित हरियाणा कह रहे हैं सी, इस क्वेश्चन का हमको आंसर बताइए कि जो नकदी फसलें होती हैं, ठीक है, नकदी फसल को उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताओ क्यों हम कैश क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है एड मोर रेजिड्यू टू सॉइल, सप्रेसिव वीड्स, प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ सॉइल, गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट, बताओ इसमें क्या होगा। नकदी फसल उगाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, मिट्टी में अधिक अवशेष मिलाना, खरपतवार रोकना, मिट्टी को फटने से रोकने के लिए, या अतिरिक्त निवेश के बिना अतिरिक्त आय प्रभाव प्राप्त करना। तो भैया यहाँ पे आप सभी लोग कह रहे हैं, एफ एफ स्ट्राइकर कह रहे हैं डी, महेश जोशी डी, अंकित हरियाणा डी, सभी लोग डी बता रहे हैं। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास में, डी ही होगा। हम कैश क्रॉप क्यों लगाते हैं, ताकि हमको क्या अर्न हो, ज्यादा इनकम हो सके, ठीक है। मतलब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं उसको मार्केट के अंदर लेकर के जाके क्या कर सकते हैं उसको सेल कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट इनकम विदाउट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास में क्या होगा भैया, डी होगा। तो ये भी क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो कैसे होते हैं, अभी कल का जो एग्जाम था, ठीक है, उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन काफी हम बात करें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो वो क्या कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, मेन चीज ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 85 वाला जो क्वेश्चन है रेनी डे, ठीक है, रेनी डे रेफर्स टू, किसको रेफर करता है रेनी डे, बताओ भैया। मतलब क्या होता है, हम कभी कभी कहते हैं भाई आज तो पूरे दिन बरसात बरसी, पूरे दिन बरसात बरसी है, हम ऐसा कब कह सकते हैं, कब हम कह सकते हैं कि आज का दिन जो था आज के दिन को हम रेनी डे कब कह सकते हैं, ठीक है। रेनी डे का मतलब क्या होता है भैया, रेनी डे का मतलब पहले तो समझो ये होता है कि किसी पर्टिकुलर दिन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर दिन क्या हो रहा है, अगर बारिश पूरे दिन बरस रही है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि इसमें क्या ही रेनी डे है, बताओ इसका जो आंसर क्या होगा। यहाँ पर स्ट्राइक 1 2 3 कह रहे हैं ए, महेश जोशी कह रहे हैं ए, अंकित हरियाणा यहाँ पर कह रहे हैं ए। भैया आप लोगों के जो आंसर हैं अब आने लगे हैं, मुझे काफी खुशी होती है जब आप लोग क्या करते हो आंसर देते हो। तो भैया इसमें एक काम कर दीजिए, आप सबसे पहले तो अपने इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों साथ इसका जो लिंक है उसको जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं ना तो इसका हमको फायदा ये रहता है कि आप लोगों को पता चलता है कि कॉम्पिटिशन कितना है आप लोगों के बीच में, है ना, कॉम्पिटिशन का आप लोगों को पता चलता है।
तो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं ए, तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास में, ए ही होगा। क्या होगा कि अगर 24 आवर्स में अगर क्या हो 2.5 mm अगर रेन को नोटिस किया जाता है, 2.5 mm रेन जो है, रेनफॉल जो है वो अगर ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्वेटरी द्वारा, कब कितने टाइम के अंदर 24 आवर्स में, तो ये क्या कहलाता है, ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है कि भैया आज का दिन जो था वो कैसा था, रेनी डे था। कोई भी पर्टिकुलर दिन, किसी भी पर्टिकुलर डे पर अगर जो रेनफॉल है वो कितनी ऑब्जर्व की जाए, 2.5 mm पर्टिकुलर 24 आवर्स के अंदर अगर ये इतना किया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेनी डे के नाम से हम, या इसको रेनी डे प्रीफर कर लेते हैं, ठीक है, रेफर कर लेते हैं इसको। आई बात समझ में। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये तो आप सभी को पता होगा ही, इस क्वेश्चन का तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, ये तो आप सभी को पता होगा ही। 86 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, रिलेटिव प्रपोर्शन प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले, ठीक है, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज रेफर्ड एज, ठीक है भैया। आपको एक चीज और बता दूं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन एक कल आपके पास में IBPS AFO के अंदर भी पूछा गया था। अगर किसी ने एग्जाम दिया हो IBPS AFO का कल मेंस का, तो उनको पता होगा कि कल आपके पास में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। आपको परसेंट में उनका जो प्रपोर्शन है वो आपको बताना था सैंड सिल्ट और क्ले का, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि रिलेटिव प्रपोर्शन क्या कहलाता है इसका। आप सभी लोगों का आंसर जो है वो आ रहा है ए, निहारिका ये कह रही हैं ए, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है आपके सामने क्या होगा भैया, ये होगा आपके पास में सोइल टेक्सचर, ठीक है। सोइल का टेक्सचर किस किस से मिलकर के बना होता है, जो सैंड सिल्ट और क्ले इन तीनों का जो क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, ये अलग अलग परसेंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है भैया, किसी भी सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉरी किसी भी सॉइल का वो टेक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आया है, IBPS AFO के अंदर भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसके अंदर क्या पूछे गए थे, उसके परसेंट पूछे गए थे, ठीक है, इनका जो कंपोजिशन होता है उसमें परसेंट पूछा गया था। आई बात समझ में। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट यहां पर पता होना चाहिए। देखो इट इज यूज्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है भाई, ये जो लर्निंग बाय डूइंग है किसमें, कौन से कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया जाता है, बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा समझने का, इसका प्रयोग केवल करके सीखना के सिद्धांत को लागू करके किया जाता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो कब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम उसको खुद करके नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ना है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, बुक आपके सामने पड़ी, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट है भाई, इट इज यूज्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास में स्टूडेंट्स, बताइए भाई एक बार, आपके जो राइट आंसर है वो क्या होगा इसके अंदर, बताओ। इसका तो आपको सभी को पता होगा ही, इसको सबको पता होगा, बताओ बताओ भाई। यहाँ पे निहारी का कह रही है सी, भाई लर्निंग बाय डूइंग कैसे होगा, बताओ कैसा होगा इसमें। स्ट्राइक कह रहे हैं स्किल्स, स्ट्राइकर एफ एफ कह रहे हैं सी, अक्षिता हरियाणा कह रही है सी, अशिता कह रही है ए, एग्री कह रहे हैं ए, एग्रीकल्चर बॉय कह रहे हैं सी। तो भैया बताओ इसका जो राइट आंसर है 87 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका क्या होगा। तो इसका जो लर्निंग बाय डूइंग है ये कैसा होता है भैया, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा इसका। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप किसी भी काम को करने का तरीका आप जब जानते हो तो वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा ना, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग की मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर काम को करने का पर्टिकुलर अगर मेथड बता रहे हो, मेथड को उसको बता रहे हो, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड अगर हम जानते हैं तभी तो क्या कर सकते हैं, उसको सीखा जा सकता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग क्या हो जाएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, आया समझ में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो हमारे कल एग्जाम के अंदर पूछा गया था, IBPS का एफओ का जो एग्जाम था दिया था किसी ने,
IBPS AFO का मेंस का एग्जाम देने वाला कोई स्टूडेंट है क्या यहाँ पे? पहले तो मुझे वो आप बताओ, IBPS AFO का मेंस का एग्जाम किसी ने दिया था, किसी स्टूडेंट ने? है तो बताओ भैया। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजल डिजीज, ये हमने हमारी जो थर्ड वाली क्लास थी, ठीक है, हमने जो पिछले जो कुछ क्लासेस हो चुकी हैं उनके अंदर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ये क्वेश्चन, जो कल आपके IBPS AFO मेंस के अंदर क्या हुआ था भैया, पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपको पूछा जा चुका है कि इसमें से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज को ट्रांसमिट कौन करता है, ठीक है, कौन ट्रांसमिट करता है, और क्वेश्चन इस तरीके से आपसे कल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। ये ने महेश जोशी कह रहे हैं मैंने दिया था, ठीक है। तो भैया आपका हो सकता है शायद इसकी इस क्वेश्चन की वजह से, जिसने भी इसमें पढ़ा हो, तो हो सकता है इसकी वजह से आपका आंसर सही भी हो, ठीक है। तो भैया जो होपर होता है, यहाँ पे देखो मैंने आपको साइंटिफिक नेम भी उसका बताया था, उसका कॉमन नेम भी बताया था मैंने यहाँ पे, बेमेसिया टेबेसाई है जो व्हाइट फ्लाई है, ये आपके पास में होपर है, अकेरिया टूलिपी माइट होती है, नीलो पर्वता लुजेंस क्या होता है, ब्राउन प्लांट होपर होता है। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। महेश जोशी कह रहे हैं टू क्वेश्चंस मिले हैं, तो भैया देख लो अब कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आपको इस सेशन की इफेक्टिविटी का पता चल सके। एक्चुअल में ये सेशन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, इस वजह से मैं आपको सामने लेकर के आया हूं। तो देखो भाई, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कल पूछ लिया जा चुका है, ठीक है, वो यहाँ से पूछा जा चुका है। तो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो फाइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाता तो वो फाइटोप्लाज्मा क्या होता, आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाता। होपर क्या है भैया, उसको ट्रांसमिट करता है, और इसका मैंने आपको साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे बता रखा है, सेस्टियस फाइसिटिस इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। पूजा यादव कह रही है डी, डी नहीं होगा पूजा यादव इसमें, ये तो क्वेश्चन अलग है। खैर चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है भाई 88 वाला क्वेश्चन है, 88 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसमें देखेंगे आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो क्वेश्चन जो है अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रोग्राम वाज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग द टेक्निकल स्किल टू द रूरल यूथ टू इनेबल देम टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बताओ, बहुत अच्छा मैं प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूँ। सर मेरे एक क्वेश्चन है, बताइए एग्रीकल्चर बॉय आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए आप यहाँ पे बता दीजिए जो भी आपके क्वेश्चन है। हम चलते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है देखो, यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए तकनीकी कौशल प्रदान करने से संबंधित था। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ट्राइसम, ट्राइसम महेश जोशी कह रहे हैं बी, और राशिता कह रही है बी। अच्छा तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप लोग निहारिका कह रही है बी, तो आप लोगों के अधिकतर जो आंसर है वो बी है, ठीक है, आप लोगों का जो अधिकतर आंसर है बी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्राइसम जो है वो सही है। ट्राइसम क्या होता है भैया, सही होता है, और ट्राइसम का मतलब पता है क्या होता है आपको? सबसे पहले देखो, ट्राइसम आपको मालूम तो है कि हाँ ये सही आंसर है और आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको और क्या जानना जरूरी है, इसकी फुल फॉर्म जो जानना जरूरी है ये है आपके पास में, ट्रेनिंग ऑफ, भाई हमारा जो ये डिजिटल बोर्ड जो है ये थोड़ा सा कम काम कर रहा है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो रूरल यूथ जो होता है उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करवाने के लिए पहले कोई ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, ट्राइसम के नाम से जानते हैं, और ये आपको क्या है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, फिटनेस है कह रहे हैं यहाँ पे बी। तो भैया आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे हो, सब लोग अच्छे से पढ़ करके आए हो, और इसी के साथ साथ एक काम कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है हमने आपको यहाँ पे सबूत भी हम दे चुके हैं कि हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज की जो वैल्यू है, हमने पिछली क्लास के अंदर भी हमने आपको बताया था कि काफी सारे क्वेश्चंस जो थे जो यहाँ आते हैं हमारे यहाँ के जो
कंटेंट है, कंटेंट से उठ करके आते हैं, और कंटेंट हम आपके लिए बहुत सोच समझ करके बनाते हैं, ताकि सिर्फ IBPS AFO नहीं, आपके जो प्री PG है, प्री PG का एग्जाम भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। AFO है, AFO में भी आते हैं, ARS के अंदर भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसको हम क्या करते हैं यहाँ से छोड़ देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट, ये है ट्राइसम एग्जाम, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राइसम ये हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये देखो क्या है, विच स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर द प्रोवाइडिंग द बेटर लर्निंग प्रोग्राम फॉर द गर्ल चाइल्ड। बताओ भैया, लड़कियों के लिए मतलब उनकी क्या हो पाए, बेहतर योजना, मतलब उनकी जो शिक्षा है उसको बेहतर बनाया जा सके, शिक्षा को, लड़कियों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन सी स्कीम है इसमें से, बताओ, PMSSY, उड़ान स्कीम, कन्या शिक्षा अभियान, या बोथ ए एंड सी, बता दो इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। यहाँ पे आप लोगों के आंसर आने चाहिए और लोग जुड़ने चाहिए हमारे साथ में, क्योंकि हम एक ऐसा अभियान, आप मान सकते हैं ऐसा हम अभियान चला रहे हैं जिसके अंदर जितने ज्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उतना ही क्या होगा, उनको फायदा होगा। जैसा कि अभी आप सभी को मालूम है, राहुल गांधी के अभी हाल ही के अंदर भारत जोड़ो जो यात्रा का समापन हुआ है, वो उसमें क्या हुआ कि वो अकेले चलने, मतलब उनके साथ में पूरे, मतलब काफी सारे लोग जुड़े थे, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़िए, ताकि आपको भी क्या हो यहाँ पे फायदा मिले। जिसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्कीम के अंदर लड़कियों की जो लर्निंग है उसको अच्छा बनाया जा सके, उनको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, तो बताओ क्या होगा इसमें। आपके जो आंसर आ रहे हैं, डी आ रहा है, FF स्ट्राइकर कह रहे हैं डी, महेश जोशी कह रहे हैं डी, एग्रीकल्चर बॉय कह रहे हैं सी, और यहाँ पे महेश जोशी भी कह रहे हैं डी। तो भैया देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, हमेशा उनको सही नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा उनको सही नहीं माना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो गलत दिए हुए हों, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन दिया ही इसलिए जाता है कि आपका पूरा का पूरा फोकस उस पे ही आ जाए कि नहीं भाई, हमको आगे देखना ही नहीं, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है भैया उड़ान स्कीम, ठीक है। उड़ान स्कीम के दौरान, या उड़ान स्कीम जो है आपकी, इस योजना के अंतर्गत जो क्या होते हैं, जो लड़कियां होती है उनकी शिक्षा पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। तो इसलिए कह रहा हूं, जहां ऑल ऑफ दिस हो जाए या नन ऑफ दिस हो जाए, तो यहां पे हमारे दिमाग क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है एकदम, ठीक है। एग्जाम के अंदर भैया क्या होता है, दो स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, दो स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि एक तो हमको घर पे आने के बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ नोट दिखाई देता है। नोट कब दिखाई देगा, हम जब क्वेश्चन करके आ जाएंगे फिर दिखाई देगा, और इसमें तो नोट लिखा हुआ है, जबकि हम तो इतना पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन पहले ही टिक लगा देते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि इसमें ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ था मतलब ये सारी सही है, या नन ऑफ दिस लिखा हुआ है सारी सही है, तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, आपके पास में उड़ान स्कीम है, उड़ान स्कीम है, ठीक है। उड़ान योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो लड़कियां होती है उनकी शिक्षा पर क्या दिया गया भैया, जोर दिया गया है। आई बात समझ में, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप। देखो यहाँ पे दो चीज है, द रेशियो बिटवीन एरिया क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड क्रॉप इज टर्म्ड एज। भैया बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हम आपके पास में लेकर के आए हैं। तो भैया सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, सिंचित फसल के क्षेत्रफल और जल प्रयुक्त फसल की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, बताओ भैया। आप लोगों के आंसर जो है हम तक आने चाहिए, भले आप गलत आंसर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपका हमको पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके क्या आंसर है। यहाँ पर हमारे पास में ट्विटी द आर्ट क्लब कह रही है डी, महेश जोशी कह रहे हैं डी, फिटनेस है कह रहे हैं डी, महेश जोशी कह रहे हैं बी, निहारिका कह रही है बी। इसका जो आंसर होगा भैया, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपनी बुक्स के अंदर, इसका जो आंसर है ये है आपके पास में ड्यूटी। आंसर क्या है आपके पास में, इसका है 90 जो है आपके पास में, इसका आंसर आएगा आपके पास में ए। ड्यूटी जो होता है ये क्या होता है भैया, आपके पास में रेशियो होता है किस किस का, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड और किसके का, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, ड्यूटी कहलाता है। ये क्या है आपका इसमें आंसर है, ठीक है। महेश जोशी कह रहे हैं बी,
एफ एफ स्ट्राइकर कह रहे हैं, डी बी बी। तो भैया एक बार इसको हम इसको आप देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ड्यूटी होता है। ठीक है, फसल के फसल का जो सिंचित क्षेत्रफल और जल प्रयुक्त फसल की मात्रा का अनुपात ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि भैया जो राउस करियर इंस्टीट्यूट है, ये जो ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही चाहे से वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, या जो सीयूईटी का एग्जाम है, बीएचयू का है, इफको का है, डब्ल्यूओ, एडीओ, एफसीआई, ये जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं ना भैया, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ से कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, और इनके रिगार्डिंग जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ इस कोर्स पे अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आपको काफी सारा कंटेंट जो है बिल्कुल तो आपके पीडीएफ फॉर्म में भी यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, देन इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो देखते हैं, देखो भैया इम्पोर्टेंट है आपके पास में, विच टाइप ऑफ नोजल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर हर्बिसाइड एप्लीकेशन। तो बता दो, हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए किस तरह के नोजल का हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, किस तरह की नोजल का हमको यूज करना चाहिए भैया, बता दो एक बार, बताइए बताइए कि हमको जब भी हम हर्बिसाइड जब यूज करते हैं ना, तो किस तरीके के हमको नोजल का यूज करना चाहिए, बताओ। आपके सामने हम क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर के आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि देखो नोजल, अब हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि हम इतने सारे हर्बिसाइड्स पढ़ते हैं, इतने सारे हम वीड के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई उनको मैनेज करने के लिए जब हम नोजल काम में लेते हैं, वो नोजल किस तरीके की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज पता होना चाहिए कि ये तो हमको यहाँ पे पर्टिकुलर आपको किसके लिए पूछ रहे हैं, हर्बिसाइड के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके, हर्बिसाइड दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि हर्बिसाइड का स्प्रे करने के लिए, हर्बिसाइड के एप्लीकेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके के नोजल का हमको यूज करना चाहिए। तो बता दो एक बार, आपके आंसर मेरे तक पहुंचने चाहिए, बताओ एक बार क्या होता है इसका आंसर, पता है किसी को, पता है तो बताओ। यहाँ पे महेश जोशी कह रहे हैं बी, एफ एफ स्टाइगर कह रहे हैं ए। देखो यहाँ पे आप लोग स्वतंत्र हो, तुक्के भी लगा सकते हो, लेकिन तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा तुक्का ही लगाओगे। तुक्का आपको लगाने का सिर्फ यहाँ है, ठीक है, यहाँ आप मेरे को जो आंसर बताओगे उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए तो क्या होगा, यहाँ से प्रिपेयर होकर ही जाना पड़ेगा। सपोज आपने आंसर बताया और वो गलत हो जाता, तो कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है उसमें कमी रह गई हो, आप उसको पढ़िएगा दोबारा, अच्छे से सोच करके उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन कोई आया था जिसको आपने गलत बताया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे बता दो, किसी को मालूम है क्या, गलत आता है तो गलत भी बताइए, लेकिन बताइएगा जरूर। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको गलत आता है तो गलत भी बताइए, लेकिन सारी जो गलतियां करनी है वो आप यहीं कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फैन यहाँ पर हमारे पास में अंकित कह रहे हैं, ठीक है, फ्लैट फैन के अलावा और कोई है भैया, तो फ्लैट फैन जो है भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्लैट फैन क्या होता है, जब भी हम हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं तो किस तरीके की नोजल होती है, फ्लैट फैन टाइप की नोजल होती है ना। फ्लैट फैन क्या होता है, इसका जो यूज है वो किस तरीके के वीडी किस तरीके के जो हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है भैया, हमको किसका यूज करना पड़ता है, फ्लैट फैन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया क्वेश्चन, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताओ ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको पता है आजकल फॉरेस्ट्री जो है आपके पास में, एग्री फॉरेस्ट्री जो है भैया, यहाँ से आपके पास में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, एग्री फॉरेस्ट्री में आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखो 92 जो है इसमें पूछा गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कंटेन। ठीक है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है भैया उसमें कितने सेक्शन होते हैं, ठीक है, कितने सेक्शन होते हैं। अशिता डेल्टा इज वेन, अच्छा आप लोग यही बता रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिसको भी आता हो बता सकता है, लेकिन इसका मुझे आंसर बताइए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कंटेंट क्या होता है भैया, बता दो एक बार, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कितने सेक्शन हैं, आपको ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए मुझे। आपके पास में ये है, आपके पास में 92 वाला जो है इसमें बताइए। देखो हम धीरे धीरे काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट जो है अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको कंपटीशन का पता चलेगा कि इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ में कंपटीशन करना चाहते हैं। ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से आता है। एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें बताओ 75, तो बताओ इसका जो राइट आंसर है भैया ये है आपके पास में 86 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 86 सेक्शन क्या होते हैं? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद में है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया यहाँ पे आपको जो है आंसर भी बताते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट जो है देखो ये भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, विच फंजीसाइड यूज्ड टू मैनेज द स्मट डिजीज या स्मट फंजाई। ये स्मट को हम मैनेज करने के लिए कौन सी इसका हम फंजीसाइड का यूज करते हैं, तो बताओ एक बार। बताइए 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 भाई, इस तरीके से आप इस तरीके से मत कीजिए, बातें करने में लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में, लेकिन आंसर भी दीजिए भैया। महेश जोशी आंसर दीजिए इसका, विच फंजीसाइड इज यूज टू मैनेज द स्मट फंजाई। ऐसा कौन सा फंजीसाइड है जिसका यूज जो है स्मट फंजाई को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता, बताओ कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? एग्री ज्ञान भंडार कह रहे हैं ए, और निहारिका कह रही हैं ए, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताओ बताओ भैया क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपके पास में ये होगा, आपके पास में जिसका राइट आंसर है वो है सी, वीटावैक्स जो है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है भैया? ये आपके जो यूज है वो किसके लिए करेंगे हम, किस तरीके के फंजिसाइड को, स्मट जो है स्मट को हम किसके लिए काम में लेते हैं, स्मट को मैनेज करने के लिए हम किसका काम में लेते हैं? सी। ठीक है, ये जो सी है आपके पास में ये है आपके पास में भैया वीटावैक्स है। कौन सा है? वीटावैक्स है। और जो आप महेश जोशी कह रहे हैं डी, भैया डी नहीं होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आती हैं, ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस बोथ हैंड सी बोथ हैंड बी, वो क्या कर देती है हमारा दिमाग ही ब्लॉक कर देती है, हमको यही सब चीजें क्या होती है एग्जाम में डायरेक्ट जाके क्वेश्चन में दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन विलेज कह रहे हैं सी। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय या जो वैल्यू है उसको उसका माप है। ठीक है, बताओ कौन सा है इसमें से आपके पास में। हम यहाँ पे क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, तो बताओ सेंट्रल वैल्यू का कौन सा मेजर है, बताओ बताओ भैया इसमें क्या आएगा आपका आंसर जो है। ये है आपके पास में 94 वाला जो क्वेश्चन है, 94 के अंदर आपके कौन सा आंसर आएगा? यहाँ पे आपके जो आंसर है वो अब आना बंद हो गए हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक बार इसका आंसर बताइए क्या होगा। इंडियन विलेज कह रहे हैं बी, आशिता कह रही हैं ए, और कोई यहाँ पर आंसर बताना चाहेगा? बताइए, और कोई आपके पास में आंसर बताना चाहेगा? है कोई आंसर बताने वाला भैया? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे मालूम है वो है आपके डी, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भैया? डी है ना। निहारिका कह रही है ए, एग्रीगन भंडार कह रहे हैं सी, अंकित हरियाणा कह रहे हैं बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास में होगा 94 में क्या आएगा भैया? क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसका राइट आंसर है। ठीक है, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिलर क्रॉप्स। ये आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है कल आपके IBPS AFO के अंदर पूछा गया था। ये कल आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है एक IBPS AFO के अंदर पूछा गया था कि जिसके अंदर फिलर क्रॉप्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, फिलर क्रॉप्स को किस तरीके के प्लांटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, तो बताओ कौन सा होगा इसमें? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हमारे साथ में आप लोग जुड़ गए हैं और काफी आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं काफी हेल्पफुल है भैया, इससे हमको पता चलता है कि आप लोग क्या हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, कल ये IBPS AFO के अंदर भी क्या पूछा गया था इस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्या होगा भैया बताओ?
फिलर क्रॉप्स आर यूज इन विच टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम? 95 वाला जो है, 95 वाला जो है, इसमें क्या आएगा आंसर? आपके आंसर आने चाहिए भैया, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों की जो स्पीड है आंसर देने की वो बहुत कम है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए, इसका आंसर जल्दी से बता दो अगर किसी को आता है तो। भाई आप लोग बिल्कुल जो है, कभी कभी तो आपका क्राउड बिल्कुल शांत पड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है, ये आपके पास में पिलर सिस्टम जो है, ये है क्वीन कंक्स जो है, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, पिलर क्रॉप्स का जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। आशिता कह रही है बी, नहीं भाई इसका जो राइट आंसर है वो है क्वीन कंक्स है, ठीक है। देन इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं वो है आपके पास में, देखो ये तो आप सभी को पता होगा ही, जितने भी लोग हैं ये इसको तो आप जानते ही होंगे कि विच डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज आल्सो नोन एज मार्क्स डिजीज। तो मार्क्स डिजीज है ये किसके अंदर पाया जाता है, बताओ ये मार्क्स जो डिजीज है किसमें पाया जाता है? अच्छा भैया हेलो, ए आर इंडियन विलेज कह रहे हैं कि आपके एनालिसिस देखा मैंने, 43 क्वेश्चन सही है मेरे, बहुत बहुत बधाई हो भैया, 43 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप अच्छा है, आपके पॉसिबिलिटीज है कि आपको हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी और हमारे दोस्त हैं वो भी अपना जो भी स्कोर है कितना क्या बैठ पा रहा है, उनसे कितने उनके सही हो रहे हैं, तो एक बार आप वो भी हमको क्या कर सकते हैं यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको एटलीस्ट पता चलेगा कि आप लोगों कितना स्कोर कर पा रहे हैं ना, आपकी जो एबिलिटी है वो कहाँ तक की है, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। देन इसके बाद में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दीजिए जब तक, ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो कि जो कौन सी मार्क्स डिजीज है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, मार्क्स डिजीज को किस नाम से भी जाना जाता है, बता दो इसका आंसर आपके पास में आना चाहिए। अंकित हरियाणा कह रहे हैं बी, कुणाल सैनी। कुणाल सैनी का कोई आंसर नहीं आया, बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, बताओ बताओ भैया बताओ जल्दी से बता दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री से यहाँ से इस तरीके के डिजीजेस के जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो भैया बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए बताइए, आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास में होगा बी, ठीक है। क्या होता है, बी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रानी खेत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो मार्क्स डिजीज है किसमें होती है, ये मुर्गियों में होने वाली एक डिजीज है जिसको क्या कहा जाता है भैया, रानीखेत भी इसको कहा जाता है, मार्क्स डिजीज है इसको रानीखेत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे है आपके पास में ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, ठीक है। ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ विच इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, भैया बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूछा गया है कि ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम जो है ये क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम क्या होता है, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम का यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है, बताओ राइस में कौन से इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है, तो भैया बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। पता है किसी को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आशिता कह रही है ए, कुणाल कह रहे हैं सैनी ए, और ए आर इंडियन विलेज भी कह रहे हैं ए, तो भैया इसका राइट आंसर जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइस स्टेम बोरर। क्या होता है इसका राइट आंसर, राइस स्टेम बोरर है, ठीक है, जो आपके क्या होता है राइस का एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम है ये क्या होता है, एक तरीके का एग पैरासिटोइड है, ये क्या होता है भैया, एक तरीके का एग पैरासिटोइड होता है, ठीक है। और यही बात आपसे आरपीएससी, ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपके पास में आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 2022 के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके क्या हुआ था, आरपीएससी के एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में जो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइस स्टेम बोरर होगा, और ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम क्या है, एक तरीके का एग पैरासिटोइड है, और ये एग पैरासिटोइड का क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछा गया था। कब, कौन सा एग्जाम में पूछा गया था, आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम लगा था, जो कि एक हाई लेवल की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, उसमें ये आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में विच पैथोजन कॉज्ड
हैवी लॉसेस टू वाइन इंडस्ट्रीज इन फ्रांस ड्यू टू इट्स एपिडेमिक इन 1875। तो बताओ कि किस रोग कारक के कारण 1875 की महामारी के कारण फ्रांस में शराब उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। ऐसी कौन सी डिजीज थी कि 1875 में क्या हुआ था, फ्रांस के अंदर जो भी वाइन इंडस्ट्रीज थी जिसमें क्या बनती है, शराब बनती है, उस शराब में क्या हुआ था भैया, नुकसान हुआ था। भैया यहाँ पे देखो एक चीज है, ये जो शराब जो बनती थी यहाँ पे किससे बनती थी, ये ग्रेप से बनती थी, अंगूर की शराब यहाँ पे बनाई जाती थी। तो उस अंगूर की फसल में ऐसा कौन सा रोग आ गया था जिसकी वजह से शराब की इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर मुझे कोई दे सकता है, पढ़ा है किसी ने इसके बारे में, जानता है कोई, तो बताओ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। गलत आता है तो आप गलत ही आंसर दीजिए, लेकिन एक बार आप आंसर जो है आंसर को जरूर दीजिए। भैया बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सेशन को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक, जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ क्या हो, और भी लोग जुड़ सके, और भी लोगों की क्या आ सके, हमारे पास में आंसर यहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे एआर इंडियन विलेज कह रहे हैं ए, निहारिका कह रही है यहाँ पे सी। और कोई भैया कोई जवाब देना चाहेगा इस क्वेश्चन का जिसको आंसर पता हो? देखो गलत आता है तो आप गलत जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास में प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ठीक है। सी जो है आपके पास में क्या है, इसका राइट आंसर है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। जो होता है क्या होता है भैया, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास में, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक आया समझ में? तो भाई देखो ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अंकित हरियाणा कह रहे हैं बी, गिरिगान भंडार कह रहे हैं सी, कुणाल सैनी कह रहे हैं सी, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ तक आई चीजें समझ में, देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आगे चलते हैं। तो देखो ये भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपको एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 10 से 12 मंथ का प्रिपरेशन साइकिल पूछा गया था किसी इंसेक्ट का। तो वो किसी को अगर क्वेश्चन याद हो, ऑप्शन याद हो, तो हमको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेज स्टेम बोरर और सोरगम शूट फ्लाई का प्यूपेशन की साइट कहाँ होती है। भैया ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था एग्जाम के अंदर, बताओ क्या है। अंकित हरियाणा कह रहे हैं सी, तो भैया बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। किसी ने अगर मेज स्टेम बोरर पढ़ा है, मेज स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है भैया, ये होता है आपके पास में चिलोपार्टेलस, ठीक है। ये कौन सा होता है, चिलो पार्टेलस होता है, ये कौन सा होता है आपके पास में, चिलो पार्टेलस होता है, ठीक है। और सोरगम शूट का ये आपके पास में क्या होता है भैया, एथ्रीगोना सोकाटा, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास में, एथ्रीगोना सोकाटा होता है, आई बात समझ में। देन इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इन दोनों की जो साइट ऑफ प्रिपरेशन होता है वो कहाँ होता है। निहारिका कह रही है सी, एग्रीगान विलेज कह रहे हैं सी, अंकित हरियाणा कह रहे हैं सी। भैया सी इसलिए क्यों, इसका जो राइट आंसर है ये आपके पास में सी है। सी के अंदर देखो क्या होता है, स्टेम और स्टेम ये दोनों ही जो होते हैं ये कैसे किसके पेस्ट होते हैं, स्टेम के पेस्ट होते हैं, ठीक है। इसका भी अटैक कहाँ आता है, स्टेम के अंदर आता है। और सोरगम शूट फ्लाई का जो अटैक होता है वो भी कहाँ होता है, प्लांट के स्टेम के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, स्टेम एंड स्टेम। तो भैया क्या होता है, जहाँ पे लार्वा डैमेज करता है वहीं पे क्या होता है, उसका प्यूपेशन हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, साइट ऑफ प्यूपेशन ऑफ मेज स्टेम बोरर एंड सोरगम शूट फ्लाई, तो कौन सी जगह होती है, वो स्टेम के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये मेज स्टेम बोरर के लिए भी क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, और सोरगम शूट फ्लाई के लिए भी क्या हो जाएगा, ये स्टेम ही हो जाता है। आई बात समझ में, यहाँ पे महेश जोशी कह रहे हैं सी। तो भैया जिस सी आंसर वाले होगा सभी का क्या है, ये आंसर एकदम सही है, ठीक है। देन इसके बाद में है आपके पास में जो लास्ट क्वेश्चन है, बताओ ये क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज झूमिंग रेफर्स टू। झूमिंग क्या होता है भैया, बताओ झूमिंग किससे संबंधित है। आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन इन हिली एरिया, बी ऑप्शन है आपके पास में क्या है, बी कौन सा है, बी है आपके पास में टाइप ऑफ फार्म मशीन, ये है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, या टाइप ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। ये आपके आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका हमको राइट आंसर क्या होना चाहिए बता दो एक बार। पता है किसी को कि झूमिंग किसको कहते हैं,
महेश जोशी कह रहे हैं यहाँ पे ए, अंकित हरियाणा यहाँ पे कह रहे हैं ए, महेश जोशी ए। और कोई बताना चाहेगा झूमिंग क्या होता है भैया? झूमिंग क्या होता है? झूमिंग एक तरीके की कृषि का टाइप है, ठीक है? तो किस तरीके की कृषि है ये? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास में ए, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन इन हिली एरिया, ठीक है? यानी कि जो पहाड़ वाले जो हिस्से होते हैं, इन हिस्सों के अंदर जहां पर खेती की जाती है वो हिस्से क्या कहलाते हैं भैया आपके पास में? झूमिंग वो कल्टीवेशन किस तरीके का कल्टीवेशन कहलाता है? झूमिंग कल्टीवेशन कहलाता है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन थे आज की हमारी जो क्लास थी इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि आपका कोई सजेशन हो, ठीक है? अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपकी कुछ कुछ भी अगर बात आप पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना? आपके जो भी सजेशंस रहेंगे, जो भी आपके जो भी आप बात बताना चाहते हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और भैया एक चीज़ मैं आपसे कह देता हूँ कि आप क्या कीजिए, सेशन जो डेली यूट्यूब पर लाइव चलता है इसको आप अपने दोस्तों तक तो शेयर जरूर कीजिए, करिए, है ना? तो मुझे आप बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आप लोगों के साथ में फिर इसके बाद में आज की क्लास के लिए अलविदा लेता हूँ। उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपको इस सेशन से और मतलब किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, हम और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, और क्या आपको चाहिए इसमें, ठीक है? जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं आपको सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं। देन इसके बाद में अंकित हरियाणा कह रहा है लेवल बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाएंगे भैया। देखो ये तो क्या है, बेसिक लेवल है, यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और कोई किसी का सजेशन? अंकित हरियाणा बोल रहे हैं लेवल बढ़ाओ, हाँ ठीक है, हम इसका जो लेवल है वो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है? तो भैया कल से एक काम कीजिएगा, अपने जो जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन।